जी टू साइन ए विल बी योर कॉस ए से कॉस ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन ए इज टू साइन ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वैसे सिंपल है. इफ कॉट ए इज 12/5, कॉट ए इज 12/5, then find the value of sin a plus cos a, sin a plus cos a into cosec a. या तो आप इसको ट्राइंगल वाले मेथड से कर लो, sin cos और cosec की वैल्यू निकाल के. अदरवाइज वॉट यू कैन डू, कॉसेक कैन बी रिटन एज 1/sin. अब ये मल्टीप्लाई करो, साइन अपॉन साइन इज 1, कॉस अपॉन साइन इज cos. सो दिस इज 1 + 12/5 यानी कि 17/5. हाँ जी कर सकते हो, मैं तो आपको शॉर्ट में मेथड बता रही हूँ ना कि ऐसे भी कर सकते हो. हाँ जी दोनों से आंसर सेम आएगा. So that is your wish कि आप कौन सा वाला मेथड यूज करना चाहते हो. मैंने क्या किया, कॉसेक को 1/sin लिख लिया, ब्रैकेट खोल ली, साइन इंटू 1/sin इज 1, कॉस अपॉन साइन इज cot. cot की वैल्यू मुझे गिवन थी. चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल 9, 15, 12. इनमें से राइट ट्राइंगल की साइड्स बतानी है. 9, 15, 12, 2, 1, √5, देन 400, 300, 500, ये मिलीमीटर्स में है, एंड 9, 5, and 7. विच ऑफ दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, इनमें से कौन सी राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब जो लोअर स्मॉलेस्ट साइड्स के स्क्वायर्स का सम है, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड. नॉट बताना. नाइन, फाइव एंड सेवन इट्स द करेक्ट ऑप्शन. ये है 144 + 81, 225, 15 का है, देन 4 + 1, 5, √5 है, देन 4, 3, 5 का कॉम्बिनेशन आपको पता है, दैट गिव्स यू द राइट ट्राइंगल. नेक्स्ट, इफ x इंटू 10, 45 इंटू cot 60 x इंटू 10, 45 इंटू cot 60 is equal to sin 30 cosec 60. ये भी सिंपल है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हाँ जी हाँ जी, बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स दीज आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, सो यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सिंपली जो भी आपका है टेबल से इनकी वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर. हाँ जी, x इज इक्वल टू 1, बिल्कुल सही है. 10, 45, 1, cot 60 1/√3, sin 30 cosec 60, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट होके x इज इक्वल टू 1. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, a cos theta plus b sin theta is equal to 4.
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू फोर, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. साइन और कॉस की टर्म्स में आपको गिवन है दो इक्वेशन, ए के साथ यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, बी के साथ साइन थीटा है, कॉस थीटा. अच्छा ऐसे करने, चलो करो कैसे कर रहे हो. Do it fast, बच्चे. Online students also try this question. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25. कैसे किया आपने सॉल्व करके इक्वेशंस को? हाँ जी, बी स्क्वायर आ गया, बी आ गया 5 और ए लेके आओगे. ठीक है, बीच में पता क्या गलती की है आपने, रहने दो आप पेन अपना रखो. यहाँ पे ना प्लस टू ए बी साइन थीटा भी आना था साथ में, ये हमने एक्चुअल में ये चीज करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड एडिंग. ठीक है, आप मुझे बताओ लेके आओ, फिर मैं इजी वाला मेथड बताऊंगी आपको. ये क्या करे, ये सेम थोड़ा थे, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, तो फिर ये तो लेके भी आपके ए और बी दोनों ही रह गए ना, वेरिएबल तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं आपका देखा जाए तो. आपको बच्चे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यू विल ट्रीट ए एंड बी एज वेरिएबल. अमृत, कॉस और साइन को वेरिएबल नहीं लेके चलोगे आप, ए और बी को वेरिएबल लेके चलोगे, तो ये कोफिशिएंट्स हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा कोफिशिएंट्स हैं. यानी कि इस वाले को आप साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इस वाले को कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हो. गॉट इट? अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए के साथ कॉस थीटा है, यहाँ पे ए के साथ साइन थीटा है, बी के साथ साइन थीटा है, बी के साथ कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग. इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा. ये क्या है, इक्वल टू 16. इसका स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 9. अब इक्वल राइट हैंड साइड में ऐड होगी, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी. ये वाला जब आप ऐड करोगे, ए स्क्वायर कॉमन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, ए स्क्वायर रह गया, अगला भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो बी स्क्वायर रह गया, ये सेम थिंग्स कैंसल आउट हो गई, इक्वल टू 16 प्लस 9 इज 25, ठीक है। और अगर आप जैसे कह रहे हो वैसे करना है तो ए एंड बी विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल, एक्स और वाई की तरह ट्रीट होंगे, इनको आप सेम करके करो, ये इजी रहेगा ये वाला मेथड। हाँ जी, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हमें गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये नोट डाउन हो गया, कर दूं इरेज। एक्स गिवन है ए कॉस थीटा और वाई गिवन है बी साइन थीटा। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शंस हैं वन माइनस वन जीरो टू ए बी। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आएगा, वैल्यू सिंपली निकाल के पुट करो, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर विल बी, अब बताओ आंसर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपकी कॉम्यूटेटिव होती है, तो बाहर ले लो इसको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लोगे, वन, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सो जीरो जो है दैट विल बी योर आंसर। चलिए अगले पे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब एसर्शन रीजनिंग कर रहे हैं। एसर्शन गिवन है कॉस स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 52 डिग्री इज इक्वल टू वन, दिस इज द एसर्शन। रीजन वो कह रहे हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा cos square theta plus sin square theta is equal to 1. Assertion में उसने कहा कि cos square 52 degree plus sin square 52 degree is 1. Both are true, क्योंकि ये हमने identity की हुई है, standard result है ये हमारा। अब theta की किसी भी value के लिए ये result true होता है, तो अगर theta 52 degree दे दिया जाता है then also this result will be correct. तो assertion and reason both are true. And reason is the correct explanation of the assertion. Angles अगर different होंगे then नहीं लोगे। मान लो अगर यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर साथ में 46 डिग्री दे दिया जाता फिर ये इक्वल टू वन नहीं है, दिस थीटा शुड बी सेम। नेक्स्ट assertion, इफ साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू वन, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू वन एंड अल्फा इज 30 डिग्री एंड बीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद रीजन दिया कॉस 60 इज 1/2,
ए इज फॉल्स क्यों, ए फॉल्स क्यों, अल्फा कितना गिवन है हमें 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, कल करवाया मैंने ऐसा एक क्वेश्चन, क्या आया यहाँ से, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे होती है, फिर हाउ कैन यू से, वैसे भी बच्चे एक बार सिंपली आप देखो, आप जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हो किस पे अप्लाई होती है, विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, 90 डिग्री, एक एंगल 30 दी है तो ऑटोमेटिकली वो 60 आएगा। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहे, assertion is true, cos 60 की वैल्यू 1/2 ट्रू है, तो बोथ द assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। If साइन ए, ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था, अब वो क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं उन्हीं से ये assertion और reasons बने हैं। कल देखो हमने क्वेश्चन किया था, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन क्वेश्चन था कल हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर ए एंड cos टू द पावर 4a, क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे, assertion है ये, रीजन में वो क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, रीजन ट्रू है, आप चेक करो assertion को, कल किया है ये क्वेश्चन हमने। assertion भी ट्रू है, क्या किया था कल, कैसे किया था, वेरी गुड, साइन ए की वैल्यू क्या आ गई थी, cos स्क्वायर ए, उसके बाद क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज इज इट ट्रू, assertion ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू है, इज रीजन अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, व्हाई, रीजन में क्या कहा उसने, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये कंसेप्ट हमने यूज किया कि नहीं, हमने क्या यूज कर लिया, 1 माइनस sin² a इक्वल टू cos स्क्वायर ए, ये अप्लाई तो हुई ना आइडेंटिटी यहाँ पे, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल assertion है, वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 5/3, assertion इज वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 5/3, और रीजन में वो क्या कह रहे हैं, इन अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हाइपो इज द लॉन्गेस्ट साइड, रीजन तो ट्रू है, अब assertion चेक करो, cos थीटा इज 5/3, मैंने जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भेजे थे अगर वो पढ़े हुए हो तो यू कैन इजिली गिव द आंसर फॉर दिस, assertion इज फॉल्स, वाई, यस, क्योंकि cos थीटा आपका क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपो, अकॉर्डिंग टू दिस बेस 5 और हाइपो 3, बेस बड़ा आ रहा है हाइपो से, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हाइपो इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है, तो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू।
क्लियर। अब जब assertion false हो गया तो reason correct explanation उसकी हो ही नहीं सकती। Next question, assertion ये complimentary वाला है, इसको छोड़ दो। हाँ जी, next है assertion हमें given है, if sin theta is equal to a by b, if sin theta is equal to a by b, then cos theta is b upon root a square minus b square. Our reason given hai, secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. This is the reason, this is the assertion. Assertion check karo, is it correct? सिंपल यहीं से देख लो, ये पी बाई एच होते हैं, ये बी बाई एच होते हैं, तो एच दोनों के डिफरेंट आ रहे हैं फॉर द सेम ट्राइंगल, तो assertion is false, ठीक है। अब रीजन चेक करो, रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट assertion है, in a right angled triangle cos theta is root 3 by 2, sin theta is 1 by 2, then tan theta is 1 by root 3. This is the assertion. Reason kya keh raha hai wo, tan theta is cos by sin. रीजन फॉल्स है क्योंकि टैन थीटा साइन बाय कॉस होता है। असर्शन इज ट्रू। इफ एक्स कॉस थीटा इज वन एंड टैन थीटा इज वाई, x cos theta is 1 and tan theta is y, then x square minus y square is equal to 1 and the reason is for all values of theta secant square theta is 1 plus tan square theta. क्या क्यों क्या किया assertion में आपने? cos theta और cos zero कैसे काटा? yes assertion is true. values हर बार जरूरी नहीं होता कि values put करो, यहां से x क्या आएगा 1 by cos theta. What is 1 by cos theta? अब x secant theta है, y क्या है tan theta. So this is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Assertion true हो गई?
रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. इफ साइन थीटा इज 1/3 then the value of 2 cot square theta plus 2 is 18. For all values of theta, cot theta is equal to cos theta by sine theta. साइन थीटा हमें गिवन है 1/3, तो वो कह रहा है कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 जो है दैट इज इक्वल टू 18. क्या लग रहा है, क्या पुट कर सकते हैं? साइन गिवन है तो निकाल नहीं सकते. बिल्कुल लिख सकते हो, ये गिवन ही है हमें. तो ये बन जाएगा 2, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2. अब एलसीएम ले लो. लेट अस चेक. टू कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया. 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू गिवन है, तो ये क्या बना, 2 अपॉन 1/3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/18. असर्शन ट्रू हो गया. आप कैसे कर रहे थे, वैल्यूज निकाल के. साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच. बी क्या आएगा, बी क्या आया, रूट 8, 2√2 लिख सकते हो. अब कॉट क्या होते हैं, बी कितने हैं, रूट 8, पी कितने हैं, 1. इनका स्क्वायर करो, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2. रूट 8 का स्क्वायर इज 8, 8 2 16 प्लस 2 इज 18. ऐसे भी हो रहा है, जैसे मर्जी कर लो. कैलकुलेशंस इन वाले में बहुत ध्यान से करो बच्चे. वो लगा के पाइथागोरस थ्योरम लगाई, परपेंडिकुलर 1, हाइपो 3, वैसे के ए में लेते हैं बट शॉर्टकट ले रहे हैं. तो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 9 माइनस 1. गॉट इट, बेल होगी. So as the time is over, I'm ending the meeting. If any student is having any doubt, you can unmute yourself and ask your doubt.